झारखंड लोकल बॉडीज फेडरेशन के बैनर तले नगर निगम और नगर निकाय के सफाई कर्मियों का हड़ताल समाप्त हो गया। गुरुवार को नगर निगम कार्यालय में सफाई कर्मियों ने इस पर खुशी जाहिर की। जानकारी के अनुसार कई मांगों को लेकर पूरे राज्य भर के नगर निगम और नगर निकाय के सफाई कर्मी बीते 23 अगस्त से हड़ताल पर थे। इसके बाद से सफाई व्यवस्था पूरी तरह से ठप हो गया था। इसके बाद रांची से नगर विकास मंत्री हफीजुल हसन द्वारा इसकी अगुवाई कर रहे संघ के नेता अशोक सिंह, लखन हरिजन, अजीक चंद्रा को वार्ता के लिए रांची बुलाया गया। वार्ता में सफाई कर्मियों से संबंधित मांगों को मंत्री के समक्ष रखा गया। मंत्री ने संबंधित विभाग के सेक्रेटरी को निर्देश देते हुए सफाई कर्मियों के हित में निर्णय दिया। सफल वार्ता के बाद झारखंड लोकल बॉडीज फेडरेशन केबिन हड़ताली चल रहा है। हड़ताल का समापन कर दिया गया। आज से सफाई कर्मियों का कार्य सुचारू रूप से शुरू हो गया। इस बाबत संघ के नेता अशोक सिंह ने कहा कि 10-15 साल से दैनिक वेतन पर काम कर रहे सफाई कर्मियों की सेवा स्थायी करने और अन्य मांगों को लेकर सफल वार्ता हुई। नगर विकास मंत्री ने 2 सप्ताह के अंदर सफाई कर्मियों को नियमित करने की बात कही है। वहीं नगर निगम के रिटायर्ड कर्मियों को नहीं मिल रहे पेंशन और अन्य वेतन भुगतान को लेकर कहा कि सभी नगर निगम और नगर निकाय इससे संबंधित मांग भेजे विभाग पैसा देने के लिए तैयार है। मौके पर कई कर्मचारी और सफाई कर्मी मौजूद थे। आज हड़ताल आप लोगों को टूट गया है, क्या वार्ता में क्या सफल हुआ आप लोगों का? देखिए 23 अगस्त से समूचे झारखंड में तमाम नगर निगम निकाय के कर्मचारी मजदूर 100% अनिश्चितकालीन हड़ताल पर थे। कल माननीय नगर विकास मंत्री ने 2 दिन पूर्व ही आमंत्रण दिया था कि 11 तारीख को आप प्रोजेक्ट भवन में आइए और हड़ताली मजदूर कर्मचारी के मांगों पर आपके साथ वार्ता करना चाहते हैं। तो हम लोग कल करीब 25 प्रतिनिधिमंडल समूचे राज्य का लेकर हम पहुँचे। 1:30 बजे वार्ता शुरू हुई, 7 बजे वार्ता समाप्त हुआ और उसमें जो हमारा मुख्य मांग था कि समूचे झारखंड में 15-10 साल से दैनिक वेतन पर काम कर रहे हैं लोग, ये हमारी संख्या लगभग 2000 की संख्या में है, उनको नियमित कीजिए। मध्य प्रदेश की सरकार ने भी नियमित कर दिया है और यहाँ सरकार ने 2 साल पहले भी हमसे करारनामा किया था कि हम कर देंगे एग्रीमेंट 22 तक ही नियमित कर देंगे। कल मंत्री जी सेक्रेटरी को बुलाकर और डायरेक्टर को बुलाकर तमाम लोगों के साथ में लिखित एग्रीमेंट किया कि 2 सप्ताह के अंदर इन तमाम लोगों का सेवा नियमित कर दिया जाएगा। और खुशी इस बात की हुई कि 7 बजे वार्ता समाप्त हुआ, हम गिरिडीह के लिए प्रस्थान किए, तमाम निकाय के नेताओं को वापस भेज दिए हड़ताल समाप्ति की घोषणा लेकर, और 2 घंटे के अंदर राज्य सरकार की जो कमेटी है जिसमें वित्त विभाग, कार्मिक विभाग और नगर विकास विभाग के तमाम पदाधिकारी का कमेटी गठित कर और तुरंत उसको वायरल कर दिया कि इस कमेटी को कि तुरंत आप इस पर निर्णय लीजिए। इसलिए हम धन्यवाद देना चाहते हैं नगर विकास मंत्री को, धन्यवाद देना चाहते हैं मुख्यमंत्री को भी कि जनता के बीच में उनका पार्टी का कार्यक्रम था महागमा और देवघर में, साथ में जाना था नगर विकास मंत्री को, लेकिन उनको रोक दिया कि नहीं पहले आप इन लोग के साथ उचित मौके पर बात कर लीजिए। और बिना मुख्यमंत्री का कुछ होता नहीं, मुख्यमंत्री का इशारा था, इसलिए कल नियमितीकरण पर नगर विकास मंत्री ने विवेक के साथ अपना निर्णय ले लिया। और इस आंदोलन में बहुत खुशी इस बात की भी हुई कि जब हम लोगों ने शिकायत किया कि बहुत जगह पैसे के अभाव में पेंशन नहीं मिल रहा है, वेतन भी रुका हुआ है, उन्होंने कहा कि जितना पैसा चाहिए जिस निकाय को घट रहा है उनको बोलिए वो मांग भेजे, नगर विकास विभाग देने के लिए तैयार है और 100% जो रिटायर कर्मचारी है उसको पेंशन मिलेगा, पैसा ले जाएं, पैसा उनके बीच में दें। हड़ताल अवधि का वेतन उन्होंने समायोजित करने का निर्देश दे दिया, लिखित दे दिया, फिर किसी प्रकार की कार्रवाई नहीं होगी, यह एग्रीमेंट हो गया। इन परिस्थिति में हम स्थानीय विधायक सुधीर कुमार सोनू को भी विशेष हम धन्यवाद देना चाहेंगे कि इन्होंने बहुत मेहनत किया कि ताकि नगर निगम निकाय के कर्मचारी नियमित हो जाएं, उनकी मांगे हो जाएं। ऐसी परिस्थिति में झारखंड सरकार, मुख्यमंत्री, नगर विकास मंत्री, स्थानीय विधायक को पूरा धन्यवाद देते हुए, तमाम प्रेस मीडिया को धन्यवाद देते हुए कि उन्होंने हमारी मांगों को उठाया, समय समय दिखाया। हम यही कहेंगे कि आने वाले दिनों में हम इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि मंत्री जी से साफ बात हो गई कि चुनाव के पहले इन लोगों को नियमित कर लिया जाएगा। इसलिए हमें पूर्ण विश्वास है कि चुनाव के पहले हमारे तमाम समूचे झारखंड में जो दैनिक वेतन भोगी कर्मी हैं वो नियमित हो जाएंगे।